वेलकम बैक टू माय चैनल कैमरा कुकिंग विद जया। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है हरे चने के साग के कुरकुरे पकौड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, ये विंटर स्पेशल यानी सर्दियों के मौसम में पाए जाने वाला चने का साग है, जिसकी मैंने बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही यमी पकौड़े बनाए। ये देखिए, दिखने में जितने अच्छे, खाने में उतने ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम किचन में चले और इस रेसिपी को बनाना अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चने का साग लिया है, ये देखिए, और इसको हम तोड़कर रेडी कर लेते हैं। ये जो इसकी कड़क डंडियां हैं इस तरह से, इसे हम तोड़कर अलग कर देंगे और इसे साफ करके मैं रेडी कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चने के साग को साफ करके रेडी कर दिया। जो उसकी कड़क डंडियां थी और जो पत्तियां अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, ये देखिए मैंने उसे साइड कर दिया। अब इसे धोकर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चने के साग को साफ करकर और धोकर मैंने यहाँ तैयार कर लिया है और आगे कुछ और तैयारी करनी है हमें। यहाँ मैंने एक कटोरी चने का दाल लिया है, जिसे मैंने आधा घंटा भिगोकर इसका पानी ड्रेन करके रेडी कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 4 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा मैंने लिया है सूखी धनिया के दाने यानी कोरिएंडर सीड लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक लिया है। और अब मैं मिक्सी का यहाँ जार ले रही हूँ और इसमें पहले हम ये चने का दाल डालेंगे और साथ ही जो मैंने मसाले बताए वो इसमें डालकर पीस कर मैं एक पेस्ट तैयार करके रेडी कर ले रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पेस्ट बनाकर रेडी कर दिया। इसमें मैंने करीब 1 चम्मच पानी डाला और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करके थोड़ा सा दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। और अब मैं ये जो बॉल जिसमें मैंने चने का साग धोकर रखा था उसमें इस पेस्ट को मैं डाल दूंगी। अब इसमें हम बाकी की चीजें डालेंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डलेगा इसमें, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डलेगा इसमें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ हरी मिर्च डाला है तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डलेगा, और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा 1 चम्मच जो है चावल का आटा इसमें डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसमें बेसन का उपयोग भी कर सकते हैं, अगर चने की दाल भिगोने का समय ना हो। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं पकौड़े का बैटर तैयार कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पकौड़े का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंडेंसी कुछ इस तरह से है। और चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है और तेल इतना गरम होने रखा है कि पकौड़े इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि तेल में से धुआं निकल रहा है, यानी कि तेल बिल्कुल गरम हो गया है। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाना शुरू करते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े एक साइड से पक गए हैं, तो इसे हम पलट के दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चने के साग की पकौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कुरकुरी सी बनी है। तो इसे परोसा है मैंने हरे टमाटर की चटनी के साथ, आप चाहे तो केचप के साथ, पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।